प्रतापगढ़ का प्रशासन दबंगों पर कार्रवाई करने में फिसड्डी साबित हो रहा है। पीड़ित अधिकारियों के चक्कर काटते काटते थक जाता है, लेकिन उसकी मदद नहीं की जाती। ताजा मामला संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के फतेह शाहपुर गांव का है, जहां दबंगों ने जमीन कब्जा करने की नीयत से नाली और रास्ता बंद कर दिया। विरोध करने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस और राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फतेह शाहपुर गांव निवासी निर्मला देवी ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि उनके गांव के कुछ दबंग किस्म के लोगों ने उनकी भूमिधरी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से नाली और रास्ते को बंद कर दिया। निर्मला देवी ने इसकी शिकायत थाने पर की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वह एसपी प्रतापगढ़ के पास पहुंची, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आम जन को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार हर महीने थाना दिवस और समाधान दिवस का आयोजन करती है, लेकिन शायद ये सब महज एक दिखावा है। असरदार लोगों की मनमानी चलती रहती है और पीड़ित दर दर की ठोकर खाता है। अब देखना है यहाँ भी मनमानी चलती है या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है। प्रतापगढ़ जिले की खबरों की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज पेज को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।